हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और शिवम के मेंशन यूट्यूब चैनल का स्वागत है। गाइस सर, आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्रेजी सी आइडिया और उस आइडिया को आप लोग गाइस थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं कि हम लोग आज की इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। गाइस सर, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले मंगवाया था ये वाला RC हेलीकॉप्टर, जो कि काफ़ी दिनों से हम लोग के पास पड़ा हुआ था और इसको हम लोग सही सलामत रहने दें वो तो होना नहीं था। हम लोग के पास ये सही सलामत रहेगा नहीं, तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हम लोगों ने इसका कवारा कर दिया है। तो अभी देखते हैं हम लोग की फ्लाइट उड़ती है या नहीं उड़ती है। तो गाइस फटाफट से इसकी मेकिंग दिखाता हूँ मैं आप लोग। चलिए, एरोप्लेन बनाने के लिए चाहिए एरोप्लेन बॉडी। तो गाइज यार, आप लोगों के सामने ये है एरोप्लेन की बॉडी जो हम लोगों ने अभी अभी बनाई है। और गाइज यार देखो, ये काफ़ी मस्त मैंने बनाया है और इसकी मेकिंग मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि गाइज आप लोग बस इसको देख के मजे लो, क्योंकि गाइज इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और हर किसी के पास ये हेलीकॉप्टर होता भी नहीं है और इसकी तोड़फोड़ हर कोई करता भी नहीं है। तो हम लोग रखते हैं इसको साइड में, आप लोगों को दिखाने के लिए खाली ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है, सिखाने के पर्पस नहीं। तो देखो गाइज, कुछ इस तरीके की बॉडी हम लोगों ने बना दी है और एरोडायनेमिक शेप मैंने यूज़ करा है इसके, मतलब टेल में भी और आगे विंग में भी। तो गाइज काफ़ी मस्त लग रही है और थोड़ा बहुत टूट भी गया कि मैं इसकी ऐसे ऐसे टेस्टिंग कर रहा था, तो ये सही वर्क करा। तो इसकी बॉडी तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस अब आते हैं हेलीकॉप्टर पे। गाइस यार, ये जो हेलीकॉप्टर है वो फुल चार्ज होने के बाद भी अपने वेट के साथ इस एरोप्लेन की जो बॉडी है इसका वेट नहीं उठा पाता, क्योंकि गाइस यार काफ़ी नन्हा मुन्ना सब लोग का हेलीकॉप्टर है जिसमें इतनी जान नहीं है कि इसका भी वजन उठा पाए। तो गाइस यार, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फुल चार्ज। ये तो अभी फुल चार्ज नहीं है गाइस, देखो काफ़ी मस्त हवा इसकी, बट अभी फुल चार्ज नहीं है, एक मिनट बंद करता हूं मैं पहले। देखो गाइस, तो कुछ इस तरीके से बंद हो जाती है। तो फटाफट से मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ, सबसे पहले पकड़ने के लिए भी कोई ना है। हाँ, तो गाइस यार यहाँ से मैंने दबा दिया स्विच और यहाँ पे गाइस यार ये हो चुकी है। तो गाइस यार, जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो इसकी जो ये रेड लाइट जलनी होती है वो बंद हो जाती है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि फुल चार्ज हो गया। और मैंने ऐसा करके भी देखा है, फुल चार्ज होने के बाद भी ये इसका वेट नहीं उठा पाती, और आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ संतुष्टि की, आत्मसंतुष्टि के लिए। तो गाइस फटाफट से इसको चार्ज होने। हाँ तो गाइज, हम लोग का हेलीकॉप्टर फ्लाइंग टेस्ट देने के लिए बिल्कुल ही तैयार है और यहाँ पे मैंने धागा वागा बांध दिया इसके साथ। देखो गाइज, इस एरोप्लेन के साथ मैंने एक व्हाइट कलर का धागा बांध रखा है यहाँ पे और ये सीधा ही हेलीकॉप्टर में जाके जुड़ी हुई है। तो ठीक है गाइज, कुछ इस तरीके का हो चुका है और यहाँ पे स्विच भी चालू है, बट फिर भी यहाँ का लाइट बंद हो चुका है, यानी ये फुल चार्ज है। तो अब इसको फटाफट से निकाल देते हैं, अंदर निकल दो भाई। अरे हाँ, तो गाइज अब इस रिमोट से ये हेलीकॉप्टर कनेक्ट हो चुका है और ये फुल चार्ज है। देखते हैं इस एरोप्लेन के बॉडी का वेट ये हेलीकॉप्टर उठा पाता है कि नहीं। फटाफट से इसको ऑन करते हैं और अरे हाँ, ऑन हो गया गाइस। और देखिए, अरे अरे भाई भाई भाई, अरे गाइस देखो, इसका वेट नहीं उठा पा रहा ये। तो गाइस यार, इस फ्लाइंग टेस्ट को अच्छे से दिखाने के लिए मैं लेके आ गया हूँ इस हेलीकॉप्टर को बाहर में और अब इसको ऑन करते हैं। और गाइस यार, ये स्टार्ट हो चुका है भाई, हवा बहुत तगड़ी है लेकिन बट गाइस गाइस देखो, इसको घी चढ़ा है, बस घी चढ़ा गाइस, और इसको हवा में लेके नहीं जा सकता क्योंकि इस भले ही थर्मोकॉल है लेकिन थोड़ा बहुत तो वेट है और हम लोग का हेलीकॉप्टर जो है वो काफ़ी नन्ना मुनासा है। तो आप लोगों ने जैसा कि देखा कि ये इसको उड़ा नहीं सकता। तो गाइस यार, अब इसमें थोड़ी तोड़ मरोड़ जोड़ करने के बाद हम लोगों को इस हेलीकॉप्टर को करना है इसके नाक पे फिक्स, आई मीन हम लोग के एरोप्लेन के बॉडी वाले, मतलब जो हम लोगों ने एरोप्लेन का बॉडी बनाया उसके नाक पे फिक्स, यानी आगे साइड से। तो फटाफट से इसको फिक्स करके और मिलते हैं कल दिन में। आज तो रात हो रहा है गाइस, देख लो रात हो रहा है आज, तो कल दिन में मिलते हैं इसकी टेस्टिंग में। चलो दिखाओ उधर। और काफी ऊंचा हो रहा भाई, अरे तेरी ओ गाइस, काफी ऊंचा हो रहा है यहाँ पे हम लोग का एयरप्लेन, और ये नीचे आएगा, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, बट थोड़ा सा डर तो लग रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट बार बनाया इसको, एक बार जूम करता मैं। ओ भाई गाइस देखो, बहुत ऊपर है।
हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग के रुकने तो वर्क कर दिया, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस पे लाइक करना तो बनता है। और गाइज ऐसे ही वीडियोस आती रहेगी अपने चैनल पे। चलो जय हिंद जय भारत। जाते जाते आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे के जाया जाए कि आप लोग भी बता सको। तो गाइज क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बताना है ये वाला जो मतलब ये वाला नहीं जो कोई भी सभी एरोप्लेन जो होता है वो किसके प्रिंसिपल में काम करता है। तो कुछ इस तरीके का शेप है, आप लोग शेप पे देख लो और गूगल का यूज़ करना मना है। और आप लोगों को बताना है ये किसके सिद्धांत पे या फिर किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।